मेरे साथ एक दर्शक अंकुर मिश्रा जुड़े हुए हैं और उसके साथ सीधे मैं एहतेशाम भाई के पास जाऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, मुस्लिम चिंतक है, भारतीय चिंतक है। और सीधे मेरा सवाल अंकुर मिश्रा से है। अंकुर, क्या आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी के ऑब्जेक्शनों को सही मानते हैं? क्या भारतीय मुसलमानों को बाबर से प्रेम होना चाहिए? जी देखिए, इन सभी सभी सवालों के जवाब के रूप में मैं कोई पॉलिटिकल आंसर नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये एक राजनीतिक मामला है। लेकिन बीइंग यूथ के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी काम हो रहा है, जो भी माननीय मोदी जी ने किया है, इससे एक लोकल स्तर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रोजगार का जो समस्या है हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में, ये सॉल्व होता मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके बाकी पहलू अलग हैं, बट मुझे जो लगता है कि बाकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो सबको होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की, वो मुझे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने कहा रोजगार बढ़ेगा, वाकई अयोध्या का नक्शा बदल जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने भी कही है और ये बात मुख्यमंत्री ने भी कही है।